शायद तुम ही मेरे सपनों की रानी हो। तुम इतनी देर से समझे? गाल पर किस किया तो सिर्फ दोस्त, होठों पर किया तो बॉयफ्रेंड। थैंक यू। तो बिस्किट एक स्टेपल डाइट नहीं है, ये बस एंटरटेनमेंट है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक बिस्किट कैसा दिखता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें लोगों के स्वाद की भूख को शांत नहीं करना, उनकी आंखों की भूख को शांत करना है, हमारा काम हो जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल टैबलेट गेमिंग के एडिक्ट होते जा रहे हैं, उसी तरह से उन्हें हमारे मैजिक बिस्किट की भी आदत हो जानी चाहिए। तो हम और स्वीटनर्स ऐड करने वाले हैं, और कलरिंग एजेंट्स डालेंगे एंड मोर इमल्सिफायर्स। अगर हम ये सारी चीजें डालेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होगा ना? मैम, हम हॉस्पिटल चला रहे हैं या बिस्किट की फैक्ट्री? ये हेल्थ की बातें बिजनेस के लिए अनहेल्थी हैं। हमारे कंपेटिटर्स बिस्किट में ना जाने क्या क्या डाल के कहां कहां पहुंच गए हैं। एंड कमिंग टू योर कंसर्न्स, हम एक चीज कर सकते हैं, बिस्किट के पैकेट के पीछे एक छोटा सा वार्निंग लेबल लगा सकते हैं और अपना काम हो जाएगा। प्रोडक्शन बजट से भी ज्यादा हमें एडवर्टाइजिंग बजट पर फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखेगा उतना ही ज्यादा बिकेगा। फ्लैशी फूड्स, फ्रूटी बिजनेस। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। अब मिस्टर राजा आप आइए। गुड मॉर्निंग। पुराने जमाने में खाने की चीजें और दवाइयों में ज्यादा फर्क नहीं माना जाता था, और हमारी दादी का बनाया खाना होता भी बहुत टेस्टी था। जैसे पापड़, चकली, उन सब में होता था अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी लौंग, काला नमक। ये सारी चीजें देसी दवाइयों का काम करती थी। इसके पीछे एक साइंस था जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। बिस्किट बनाने में मैदे का इस्तेमाल रोककर हम मक्के का आटा, सरसों, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले दवाइयों की खोज कर लेते हैं और फिर उन्हें बेचने के लिए बीमारियों की खोज करते हैं, और नई बीमारियों को फैलाने के लिए नए खाने का इजाद करते हैं। लोगों को धोखा देकर विदेशी कंपनियों की नकल करके हमें हानिकारक चीजों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक पारंपरिक कंपनी बनकर सिर्फ पौष्टिक चीजें ही बनाकर लोगों को बीमारियों से बचाकर मैजिक बिस्किट बनाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो पहले हमारी दादी माँ के बनाए भोजन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। जंक फूड कहा जाने वाला बिस्किट पौष्टिक बिस्किट बन जाए, ऐसा मैजिक करते हैं। क्या बकवास है? क्या बात है राजा, बहुत अच्छी तरह समझाया तुमने। बैठ जाइए। मुझे लगा था दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन ये काम आसान निकला। गोपाल, तुम्हारा आइडिया बेशक बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत सपने जैसा है, लेकिन राजा तुमने अपने दिल से बात की। आजकल के नौजवान ज्यादातर ऑर्गेनिक हेल्थ फूड ही खाना पसंद करते हैं, और उनके माता पिता भी ऐसा ही चाहते हैं। मेरा सबसे प्यारा दोस्त धर्मराज, जिसने ये कंपनी शुरू की थी, अगर आज की डेट में वो जिंदा होता तो राजा तुम्हारी काबिलियत को सराहता। फिलहाल गोपाल, तुम्हारा आइडिया काम का नहीं है, तुम बैठे रहो। राजा यहां आओ। कंग्रेचुलेशंस राजा। आ जाओ राजा बेटा, कंग्रेचुलेशंस राजा। आज मैं राजा को इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनाता हूँ। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। राजा मेरे ऑफिस में आओ। जी सर, भैया। सर सर सर, मुझे लगा था मैं जीएम बनने वाला हूँ, मैंने तीन जगह से लोन ले लिया। मैं सब संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो बेटी। मैडम। तुम्हारी धीमी किताब की वजह से मेरी तरक्की हो गई। कांग्रेट्स। थैंक्स। तुमने अपने हाथ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए उठाए क्या? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें गले लगाने के लिए आ रहा था, पर बीच में ये लीसा घुस गई। मैंने बीच में घुसकर रोका तुम्हें राजा? लीसा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर इसका क्या बताऊं? अरे वाह, क्या कड़क पेट है, बहुत एक्सरसाइज कर रही हो। आज सुबह मैंने अपना टेस्ट करवाया है, तुम बाप बनने वाले हो। लीसा, ये कैसा मजाक है? कल रात तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मजाक ना करूं। तुम डॉक्टर हो ना, मेरी पल्स चेक करके बताओ। इसने कह दिया और तुम चेक भी कर रही हो यार? तुम्हें यकीन नहीं, 30 तारीख को मैं डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आऊंगी, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें इससे प्यार करना है या नहीं करना।
बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अनीता। हाँ, अनीता राजा। नाइस नेम। ए लीसा, बच्चे का नाम नहीं बोल रहा था मैं, तो तुम्हें बुला रहा था बेबी। इस बारे में हम दोनों 30 तारीख को बात करेंगे। फरवरी में 30 दिन होते हैं क्या? वो सिर्फ मजाक कर रही थी और तुमने उसकी सारी बातें मान ली। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक से सुनाई नहीं दिया और करीब आके कहो ना। राजा जरा इधर देखो, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आता आता हूँ, अभी काम निपटा के आया। ठीक है मनोहर। हाँ। क्या हुआ, सबको इकट्ठा क्यों कर रहे? देखो ना इधर। ओह, क्यों बेचारे के झले पे नमक छिड़क रहे तुम लोग? तुम चुप बैठो ना। प्रेजेंटिंग, देयर इज सो मच डिटेल इन दिस, इट्स अमेजिंग। डोंट, याद है क्या कहा था? हवा, पंछी, कागज। समझ में आ गया ना कि कागज कौन है और पंछी कौन है? सर चलिए यहाँ से। यह कागज। कागज कहने पर मुड़कर क्यों देखा? क्या तुमने आज से अपना नाम बदल लिया? कागज कागज कागज। अरे ये क्या था? ये नामकरण की रस्म है, बार बार कहेंगे तो याद रहेगा ही नहीं। ओ, हाथ सीने पर रखकर कुछ और भी कहा था ना तुमने? अरे ये आपके असिस्टेंट बनना चाहते हैं सर। तो इस नए प्रोजेक्ट में तुम मेरे असिस्टेंट हो गए। नई फैक्ट्री जहाँ पर बन रही है वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना, सारी तैयारियाँ तुरंत शुरू कर देना और सारी चीजों की लिस्ट बनाकर मेरे ऑफिस में लाना। नहीं नहीं, ऑफिस में मत आना, तुम्हारी शक्ल एकदम मनहूस है, मुझे ईमेल ही कर देना। दोस्तों yes! Let's enjoy! ये तो राजा का चहिता वृद्धाश्रम है। वॉचमैन, यहाँ पे तो एंडरसन बंगलो करके था ना 30 साल पहले? हाँ यही नाम था, पर अब ये एक वृद्धाश्रम है, इजाबेला ओल्ड एज होम सर। ओ ठीक है, गेट खोलोगे? परफेक्ट दादी, अच्छा हुआ। मैम आप हमारे राजा सर की गर्लफ्रेंड है ना? अब और ये सब कब हुआ? आपकी तारीफ। मैं राजा सर का असिस्टेंट, थोड़ी गम मिलेगी क्या? ये कोर्ट का नोटिस लगाना था। ये कैसा नोटिस है? 2 दिन में ये जगह तोड़ने वाले हैं, इसीलिए ऑफिस से नोटिस भिजवाया है ताकि आप लोग टाइम पे जगह खाली कर सके। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या राजा ये बात जानता है? इस जगह को तोड़वाने का ऑर्डर राजा सर ने ही दिया, बल्कि जीएम बनने के बाद पहला ऑर्डर उन्होंने यही साइन किया। हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। हम लोगों ने उसे बचपन से पाला है। हाँ बेटा, यहाँ पर जब हमें कोई तकलीफ होती है राजा ही तो हमारी मदद करने आता है। मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए सर का ही फोन है। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ साइट पर पहुँचे या नहीं? हाँ मैं यहीं पर हूँ सर। देखो कुछ भी हो जाए ये काम पूरा होना चाहिए, फौरन वो जगह खाली करवाओ समझे। 2 दिन में वो जगह बिल्डर के हवाले करनी है, वहाँ हमारी बिल्डिंग बनेगी। एब्सोल्युटली सर, श्योर सर। सर ने क्या बोला सुन लिया सबने? आप लोग बुजुर्ग हैं तो अकलमंद भी होंगे, सुबह तक ये जगह खाली कर देना, किसी मंदिर में रहने का जुगाड़ कर लो। चलो चलो। अच्छा तो मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर अनीता, अभी आती होंगी। मुझे उस पेशेंट की रिपोर्ट जल्द से जल्द दिखा देना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? चले जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। अनीता अनीता, हे बात सुनो। अनीता मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तो पहले वृद्धाश्रम तोड़ने का ऑर्डर वापस ले लो, उसके बाद यहाँ आना मुझसे बात करने के लिए। अरे सुनो अनित। सुनो राजा, इन कागजात पर साइन कर लो। मैं फैक्ट्री के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज से वृद्धाश्रम को तोड़ना और नई फैक्ट्री का बनवाना, ये सारे काम अब तुम संभालोगे। मैं और पापा नई मशीन्स खरीदने के लिए जापान जा रहे हैं, और इसीलिए पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें देने के लिए पापा ने डिसाइड किया है। ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो इन पर। सर वो वृद्धाश्रम को तोड़कर ही फैक्ट्री बनाना जरूरी है क्या सर? क्यों, क्या हुआ, कॉर्पोरेशन परेशान कर रहा है तुम्हें? नहीं सर, वो वृद्धाश्रम कई लोगों के लिए रहने का आखिरी ठिकाना है, अगर हम उसे तोड़ देंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे सर? प्लीज जरा एक बार सोच लीजिए प्लीज। बस बस, तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें जीएम बनाया और अब तुम्हें उन पे तरस आ रहा है। मैंने वो जमीन बहुत मुश्किल से हासिल की है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे भी उनके बाद वृद्धाश्रम खाली रहेगा,
तुम चाहते हो मैं उसे ना तोड़ूं? हाँ? देखो, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और से यह काम करवा दूंगा। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये तुम्हारे बाबा का भी सपना था। अब तुम अपने बाबा का सपना पूरा करोगे या उन बुड्ढों की सिफारिश करोगे? अच्छी तरह सोच लो। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाऊंगा। तुम्हारे पापा की यही इच्छा है, बनोगे ना? ठीक है पापा। चलो ठीक है, तुमसे नहीं होगा ये काम। मैं करूंगा सर। चलो चलो चलो, शादी में आओ क्या? जल्दी करो। उसने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को बाहर निकाल दिया। पर ऐसा क्यों हो गया? कहानियाँ ऐसी होती हैं। अच्छा आदमी बुरा बन जाता है, बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। कहानी में ट्विस्ट समझ लो। जल्दी कर, मेरा मुखिया देख रहा है, गिरा दे। चल। अरे, हम यहाँ इतने साल एक साथ रहे हैं, हमें यहाँ से निकाल कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? ए, चल दे। बेटा हमारा घर मत तोड़ो। बस कीजिए, बस दादी। ए कुमार, स्ट्रेचर लेके जल्दी आ। हाँ भाई। पेशेंट का है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सर, नर्सिंग नाम का आदमी बेहोश हो गया है। मुझे फोन आया था, उसकी हालत बहुत खराब है। किसके बेहोश होने की बात कर रहे हो? नर्सिंग मेरा नाम है। हाँ? एड्रेस चेक करो, चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं राजा सर ने फोन क्यों किया। राजा ना? हाँ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, बात कीजिए। क्या है राजा? क्या हुआ सर? मैं सीरियस हूँ, ये कह के तुमने एम्बुलेंस क्यों भेजी घर पे? क्योंकि मेरी बात को सुनने के बाद आपकी हालत पक्का खराब हो जाएगी। ये क्या मजाक कर रहे हो? बताता हूँ ना सर, आपने मुझे वृद्धाश्रम के लिए पावर ऑफ अटर्नी दिया था ना, तो मैंने उसी पावर से उस जमीन को वृद्धाश्रम के नाम रजिस्टर करा दिया है। क्या बोला? ये क्या कह रहे हो तुम? रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर, अब तू तो क्या, दुनिया का कोई कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सिस्टर? मेरा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पावर ऑफ अटॉर्नी गलत आदमी को दे दिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। हम सही पते बनाए हैं कुमार। स्ट्रेचर ला, जल्दी स्ट्रेचर, जल्दी ला। पेशेंट बेहोश हो गया, चलो जल्दी आओ, इन्हें ले जाओ। हेलो, फोन उनके हाथ से गिर गया क्या? सिर्फ फोन नहीं सर, पूरा शरीर गिर गया है। बड़ा बहादुर बन रहा था, अब वापरे हुए पेपर कप की तरह उसकी मुंडी टेढ़ी हो गई है। अरे बाप रे। कुमार चलो उठाओ इसे, एम्बुलेंस में डालो।